हाय गाइस, स्वागत है आपके मेरे चैनल में। और अभी सुबह के बज रहे हैं 3:50 4 बजने वाले हैं, 10 मिनट हैं। और आज हम जा रहे हैं वृंदावन, और हमारी ट्रेन है सुबह 6:55 पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन का नाम है ताज स्पेशल एक्सप्रेस, और अभी मैं जा रहा हूँ रेडी होने। और फिर रेडी होकर मुझे 5 बजे अपनी फ्लाइट को टैगोर मेट्रो स्टेशन पर मिलना है, फिर हमने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। तो अभी मैं निकल चुका हूँ घर से, और बस 5 मिनट वॉकिंग मेट्रो स्टेशन है टैगोर गार्डन, और फिर वहाँ से हमने पकड़ लिया मेट्रो और राजीव चौक। फिर येलो लाइन से हम चेंज करेंगे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए, और दीक्षा निकल चुकी है अपने घर से, और फिर हम मथुरा पहुँचेंगे अराउंड 8:30, और फिर वहाँ से हम करेंगे टमटम। बाकी सारे के सारे अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तो मैं मेट्रो स्टेशन इतनी जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हमने पकड़नी है फर्स्ट मेट्रो, जो कि 5:10 पे आती है टैगोर गार्डन पे। और ऐसा इसलिए कि हमारी टिकट जो है न्यू दिल्ली से, वो है ट्रेन की टिकट 6:55, मतलब 6:55 की टिकट है, और वो काफ़ी जल्दी ट्रेन है, उससे लेट, काफ़ी ज़्यादा लेट थी इसलिए मैंने करी नहीं। तो अभी बस मैं मेट्रो स्टेशन पहुँचने वाला हूँ, और फिर बस चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, लेट्स गो। और ये आ गया अपना टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन। तो मैं तो पहुंच चुका हूँ टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन, और अभी मैं वेट कर रहा हूँ दीक्षा का कि वो आ जाए। और 5 बज रहे हैं अभी, और पहली मेट्रो आने वाली है सिर्फ 6 मिनट में। तो देखते हैं दीक्षा टाइम पे आती है कि नहीं, पहली मेट्रो पकड़ ले तो बेटर है यार। तो आ गई है मेट्रो, और आप देख सकते हो बस अभी मेट्रो पकड़ के हमने जाना है अपने डेस्टिनेशन पे, और दीक्षा भी आ गई है। ये रही दीक्षा, पहली मेट्रो हमारी इसकी वजह से छूटी है, इसकी वजह से पहली मेट्रो छूटी है हमारी, इसकी वजह से। आ जा, हमने कहाँ जाना है दीक्षा बता दो सबको। वृंदावन जा रहे हैं हम। तो अभी हम पहुंच गए राजीव चौक, और कितना टाइम हो रहा है दीक्षा? 5:30। 5:30, और अब हम जा रहे हैं नीचे येलो लाइन की तरफ, वहां से हम पकड़ेंगे न्यू दिल्ली वाली मेट्रो, अगला स्टॉप ही है। अब हम पहुंच गए हैं समयपुर बादली वाली मेट्रो की तरफ, और हमारा नेक्स्ट स्टॉप ही है। तो हम आराम से वेट करेंगे ट्रेन का, और आराम से चिल करेंगे, टाइम पे पहुंचेंगे हम, ठीक है? क्या कर रहा हूँ और क्या कर रही तू? ये देखो कुछ नहीं आता तू। तो अब हम उतर चुके हैं न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन, और हम निकल रहे हैं बाहर। एग्जिट कहाँ से करना है? यहाँ से हम एग्जिट कर रहे हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। ये अब हम निकल गए हैं रेलवे स्टेशन के लिए, और वेदर देखो यहाँ पर कितना सुंदर हो रखा है। और मैं और छोटू अब ट्रेन पकड़ने वाले हैं। आजा आजा छोटू, बस अंदर जा रहे हैं। एक बार लास्ट बार हम चेक कर रहे हैं कि यही हमारा डब्बा है कि नहीं। जल्दी कर, जाने वाली ट्रेन यार, D9 है हमारा, 5 या 04062 04062, यस यही हमारा डब्बा है। चल चल अंदर, चल अंदर, चल। हम दोनों तो बैठ गए अपनी सीट पे बिल्कुल शांति से, और एक घंटा पहले हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। क्यों मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों ये जल्दी आई है इतनी। और देखो नज़ारा, देखो बाहर का कितना सुंदर नज़ारा है, और लोग पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपको दिखा सकता हूँ मैं, देखो लोग लड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं, आई डोंट नो द रीज़न, बट वी आर हैविंग फन। हमारी गाड़ी निकल चुकी है हज़रत निज़ामुद्दीन से,
और दीक्षा ने काफ़ी कुछ खा लिया है तो उसको अभी नींद आ रही है। वो मैं वीडियो बाद में डालूंगा, वो वीडियो मैं बाद में डालूंगा। हाँ, कि कितना कितना खाया है, कितना कितना हमने क्या क्या किया, हमने टाइम लैप्स वगैरह भी बनाया है। बाकी अभी हम नज़ारे के मजे ले रहे हैं और दीक्षा ठंडी हवा खा रही है, वो भी सेकेंड सीट पर बैठ के। हमें ज़्यादा अच्छी हवा मिल रही है यार, हम खिड़की से बहुत प्यार करते हैं। खिड़की की पैसे मैंने दिए हैं, 55 सीट मेरी है। बस अब हम उतरने वाले हैं और ये अब हम उतरने वाले हैं और ये अभी तक दीक्षा उतरी नहीं है, दीक्षा को डर लग रहा है। आ गई दीक्षा, देखो डरते डरते। ये देखो उतर चुके हैं हम मथुरा जंक्शन और अब हम जाएंगे सीधा सामने बाहर पकड़ेंगे टमटम। तो अभी हम 2 घंटे का अप्रॉक्स ट्रैवल करके मथुरा जंक्शन पहुंच चुके हैं और अब हम ये रिक्शे करने वाले हैं जिसमें हम 15-15 रुपये या 30-30 रुपये में हम दोनों पहुंचने वाले हैं वृंदावन टेम्पल। चलो करते हैं, रिक्शा करते हैं। तो अभी हम हैं टमटम में और देखो हम कैसे रहते हैं, मात्र 30 रुपये में फ्रॉम मथुरा टू वृंदावन। अब हमने कर लिया है बैटरी वाला रिक्शा, हम टमटम से उतर चुके हैं और यहाँ से अब 2 किलोमीटर दूर है इस्कॉन टेम्पल। तो अब हम इस्कॉन टेम्पल पहुँचने वाले हैं और फिर हम बैठेंगे शांति से, कीर्तन सुनेंगे और खूब मज़े करेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। हर कीर्तन सुनेंगे है बेस्ट आज के दिन की। और इस ब्लॉग को प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना। तो हाँ भाई, हम पहुंच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल में। ये देखो, ये रहा इस्कॉन टेम्पल और ये रही दीक्षा और अभी हम जा रहे हैं प्रभुपाद जी के मंदिर में। दीक्षा पिक्चर्स ले रही है। इस्कॉन टेम्पल से और अब हम जा रहे हैं केसी घाट। कहाँ जा रहे हैं हम? केसी घाट जा रहे हैं और वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे। और तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ,
हमारी आने की टिकट्स नहीं हो रखी है और अभी हम बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं और हम रिस्क में घूम रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम, हाँ हम परेशान हैं लेकिन हम फिर भी घूम रहे हैं। हमारे पास टिकट्स नहीं है जाने के लिए, हमने सोचा था कि बाद में करवा लेंगे लेकिन अभी टिकट्स ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल भी। और रहने के लिए जो होटल्स हमने ट्राई करे, जो सबसे चीप होटल्स थे 700 रुपये का जो था, वो भी भर चुका है पूरा। तो हम सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, चिल करते हैं और घूमते हैं मस्त, फिर देखी जाएगी क्या होता है राधे राधे। तो अभी हम हैं केसी घाट में और दीक्षा बहुत ज़्यादा थक चुकी है और ये बंदर से लात खाना चाहती है। ये यहाँ बैठने के लिए कह रही है जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा गहरा है यमुना का। और ये देखो ये है यमुना, कितनी साफ यमुना है यार यहाँ पे। और दिल्ली की यमुना देख लो कितनी गंदी कर रखी है लोगों ने। राधे राधे बाबा जी, राधे राधे बोल रहे हैं। और बस अब हम केसी घाट पे हैं, थोड़ी देर हम बैठेंगे आराम करेंगे और उसके बाद दीक्षा की बेइज्जती क्या करनी है। दीक्षा तो अपनी बेइज्जती खुद ही करा लेती है। कर दी तूने, तेरे को बेइज्जती कर दी। वाह बाबा जी बहुत ही ज़्यादा, मतलब छाँव में इधर बिल्कुल कोने में बैठे हैं और यहाँ पर बहुत सुंदर व्यू है जैसे कि आप देख सकते हैं, सब बहुत सुंदर है। मैं यहाँ पर मैं बाबा जी से मिला हूँ जो कि है मध्य प्रदेश से। आप कितने टाइम से हो यहाँ पे? ये 10 साल से हैं आप? 10 साल से यहीं पर, मतलब अपना जो भी अपना पूजा वगैरह सब यहीं पर करते हैं? अच्छा इधर भी, इधर ही अपने मतलब अपने आप को साधु, मतलब सब कुछ त्याग के सब कुछ यहीं पर रह रहे हैं। तो सब कुछ बाबा जी त्याग के 10 साल हो गए आपको यहाँ पर वृंदावन में आए हुए। और मैंने इनकी फ़ोटोज़ खींची, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आई हैं जो कि मैं डालने वाला हूँ दिल्ली पहुँच के। और बाबा जी कुछ बताओ यहाँ के बारे में कि क्या अच्छा है यहाँ पर, लोग क्यों आते हैं यहाँ पर? हाँ जी, सब लोग यहाँ पर बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, कृष्ण जी। हाँ जी भगवान का घर है, लोग यहाँ पर अपने आप को कनेक्टेड फील करते हैं मुझे ऐसा लगता है। मैं भी जब कीर्तन सुनने आता हूँ, मैं इस्कॉन इसलिए आता हूँ ताकि मैं कीर्तन सुनूँ। तो अभी हम आए हैं छोले कुलचे खाने, स्ट्रीट फूड ट्राई करने आए हैं वृंदावन का। और इनके छोले भी डिफरेंट है, दिल्ली वाले छोले नहीं हैं, थोड़े ग्रेवी वाले छोले हैं। वो भैया कुलचे गर्म कर रहे हैं और ये भैया का है स्टॉल, 30 रुपये प्लेट छोले कुलचे और छोले ग्रेवी वाले हैं। दीक्षा को भी भूख लग रही है, मुझे भी भूख लग रही है, तो सोचा हम जाने से पहले खा लेते हैं। और अब हम यहाँ से जाएंगे बस स्टॉप क्योंकि हमारी ट्रेन की टिकट नहीं हुई, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुख वाली बात है ना दीक्षा? आंसू निकल रहे हैं दीक्षा के। और अब हम वृंदावन दोबारा आएंगे, नेक्स्ट मंथ मैं ट्राई करूँगा कि मैं तो आऊँगा। दीक्षा अपनी फैमिली के साथ आने वाली है ना? नहीं मैं अकेले भी आऊँगी। अकेले आ रही है वो, क्या करने आएगी? मेन पर्पज़ क्या है इस्कॉन आने का? कीर्तन सुनना है भाई। इस्कॉन हम इसलिए आते हैं वृंदावन ताकि हम कीर्तन सुन सकें। और आप लोग भी अगर आ सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर आओ और कीर्तन सुनो, चैंट करो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और हमें जैसे जितना अच्छा लगा उतना आपको भी अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं बस स्टॉप पे, बाय। पहली बस थी जो हमने पहले करी थी उसका टायर पंचर हो गया और अब हम दूसरी बस में आए हैं। ये तभी होता है जब तुम रोडवेज की बस में ट्रैवल कर रहे हो और तुमने टिकट्स बुक ना करी हो एडवांस में ट्रेन की। आए थे कैसे हो, जा कैसे? तो हम पहुंच चुके हैं घर और हमारा ये 14 घंटे का सफ़र बहुत अच्छा था। हमने वृंदावन में काफ़ी अच्छा टाइम बताया और हमने कीर्तन सुना इस्कॉन टेम्पल में। कीर्तन सुन के कैसा लगा दीक्षा, बस इतना बता दो। बहुत सब लगा। कब जाने वाले नेक्स्ट?
जल्दी जल्दी सून, जब भी भगवान बुला ले, जब भी भगवान बुला ले हम नेक्स्ट जरूर जाने वाले हैं गाइस। प्लीज व्लॉग देखना पूरा, व्लॉग तो पूरा ही देख ले होगा, एंडिंग है ये। अच्छा थैंक्स गाइस जिसने भी व्लॉग देखा, थैंक यू सो मच जिसने पूरा व्लॉग देखा, इट रियली मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।